हेलो गाइज, एक्सेलेंट ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स में मेरा फिर से हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है अमन कुमार। इस वीडियो में हम लोग फिर से नया पजल सॉल्व करने वाले हैं। चलिए गाइज, बिना किसी रिकॉर्ड के हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि गाइज आपने स्क्रीन पर क्वेश्चन देखा होगा, हमारा आज का क्वेश्चन है, एक कॉलम में नंबर्स दिए गए हैं और यहाँ पर ब्लैंक दिया गया और हमारा क्वेश्चन भी यही है। सो इस ब्लैंक में क्या कौन सा डिजिट आएगा, हमें इसे बताना है। चलिए गाइज हम इसे सॉल्व करते हैं। जैसा कि गाइज आप पहला कॉलम में देख सकते हैं, हमारा जो डिजिट है वो है 4, 6, 9 और 19। सो 4, 6, 9 और 19। और दूसरा कॉलम में जो डिजिट है गाइज वो है 2 और यहाँ पे ब्लैंक दिया गया और 10। सो गाइज जैसा कि आप देख सकते हैं, 6 और 4 का डिफरेंस 2 है, 9 और 6 का डिफरेंस 3 होगा, 19 और 9 का डिफरेंस 10 होगा। सो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं, कॉलम 2 में पहला जो डिजिट है वो 2 है और यहाँ पे ब्लैंक है, और तीसरा जो डिजिट है वो है 10 है। सो गाइस हमारा जो ये ब्लैंक जो छोड़ा गया इसमें क्या होगा, 3। मैंने कोई प्रिडिक्शन नहीं किया गाइस, मैं एक बार फिर से आपको प्रूव करके दिखाता हूँ। 6 में 4 गया 2, 9 में 6 गया 3, 19 में 9 गया 10। सो यहाँ पे क्या होगा, 3। 3 क्यों होगा, एक बार फिर से हम लोग देखते हैं। सो गाइस आप जैसा कि देख सकते हैं, दूसरा कॉलम में जो डिजिट है वह है 2, 3 और 10। अब 3 और 2 का डिफरेंस 1, 10 और 3 का डिफरेंस 7। सो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं, थर्ड कॉलम में पहला डिजिट जो है वह 1 है और दूसरा डिजिट जो है वह 7 है। इसी तरह गाइज आप चौथे कॉलम में देख सकते हैं, पहला जो डिजिट है 1 है, 7 है और इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 6 है। सो गाइज इस तरह से जो हमारा जो ब्लैंक कॉलम जो था वो क्या होगा, 3 होगा। सो गाइज ये थी हमारी आज की पजल। एक्सेलेंट ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स में आप बने रहिए, इसी तरह का पजल हम लोग लेकर के आएंगे। आज के लिए बस इतना ही।